बीजेपी के 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ शुक्रवार से पार्श्वतीर्थ नकपुरा स्थित दुग्गढ़ भवन में प्रारंभ हुआ। इस आवासीय प्रशिक्षण शिविर में पार्टी की कार्य पद्धति, रीति नीति और सिद्धांतों को लेकर मार्गदर्शन देने के साथ ही आगामी दिनों होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जीत से जुड़े विषयों पर जरूरी टिप्स दिए गए। आवासीय प्रशिक्षण शिविर में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे सहित संपूर्ण जिला कार्यकारिणी के साथ मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री, मंडल कोषाध्यक्ष एवं मंडल के 2 प्रमुख कार्यकर्ता शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व के दिशा निर्देश अनुसार दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण वर्ग का 3 दिवसीय आयोजन शुक्रवार को पार्थिव नकपुरा स्थित दुग्गढ़ भवन में आयोजित किया गया। इसी कड़ी में ये शिविर शुक्रवार से रविवार तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें जिले लेवल से लेकर प्रदेश स्तर वरिष्ठ नेता, जिला भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों द्वारा शिविर में पहुंचकर कार्यकर्ताओं के बीच केंद्र की मोदी सरकार के 8 वर्षों के कार्यकाल का गुणगान व उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा। इसी कड़ी में शुक्रवार को नागपुरा जिला प्रशिक्षण वर्ग में पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कार्यकर्ताओं के बीच संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारियां दी, साथ ही जनता के बीच पहुंचाने की अपील भी की। इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग में प्रदेश के वरिष्ठ नेता व मंडल के अपेक्षित पदाधिकारियों को अलग अलग विषयों में मार्गदर्शन प्रदान करना होगा। इसी कड़ी में पहले दिन प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कार्यकर्ताओं को अपना मार्गदर्शन दिया। उसके बाद प्रेम प्रकाश पांडे ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस संबंध में मीडिया को प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने अपनी प्रतिक्रिया दी। घोषणा पत्र में किए थे, 3.5 साल में एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है और पूरे प्रदेश की जनता में आक्रोश है और इसका परिणाम है कि आज चारों तरफ से सरकार की खिलाफत हो रही है और एक काला कानून भी लाने के लिए सरकार को विवश होना पड़ा है। तो ये सब विफलता को भी हमारे कार्यकर्ता मतदाता तक पहुंचाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है और देश को परम वैभव पर पहुँचाना चाहती है, समृद्धशाली बनाना चाहती है। इसलिए पार्टी चाहती है कि हमारे सभी कार्यकर्ता संस्कारित हों और इस प्रशिक्षण शिविर में 15 विषय हैं, 15 विषय के अलग अलग वक्ता हैं, सभी अपनी बात रखेंगे। तो कई लोग नए भी जुड़ते हैं पार्टी में, तो उनको सबको भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से अवगत कराया जाता है, संस्कारित किया जाता है। बहुत लाभ होगा इससे, एक नया ऊर्जा लेके हमारा कार्यकर्ता जाएगा और अब 2023 के चुनाव के लिए ज़्यादा समय नहीं है, 15 महीना का ही समय है। तो जो हमारी सरकार की उपलब्धि है, भारत सरकार की, और 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने जो कुछ किया है, सबको याद दिलाने का काम और उनको पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ता करेंगे मतदाताओं तक। और जो छत्तीसगढ़ सरकार की जो विफलता है, 3.5 दुर्ग नकपुरा में दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ है और मेरा सौभाग्य इस शुभारंभ सत्र में कार्यकर्ताओं के बीच में उपस्थित हुआ। और ये प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी में सतत चलता है, इसके पहले मंडलों का प्रशिक्षण समाप्त हुआ है और अभी जिलों का चल रहा है। कहीं कोई गुट नहीं है, सिर्फ एक गुट है कमल। और जहाँ तक थोड़ी मतलब मनभेद या मतभेद की बात करेंगे, वो तो एक परिवार में भी होता है। आज तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का परिवार बहुत बड़ा है, 18 करोड़ से ऊपर का परिवार है। आज विश्व की सबसे बड़े राजनीतिक दल के हम लोग हैं, तो एक परिवार में छोटा सा भी मैं समझता हूँ आपके परिवार में कभी खटपट हो जाता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम परिवार तोड़ते हैं। केंद्र में थोड़ा बहुत कभी होता है, समझाई देते हैं। केंद्र की सरकार है, केंद्र का उपक्रम है BSP, डेली घरों को उजाड़ रहे हैं, डेली लोगों को मतलब सड़क पे ला रहे हैं, सांसद जी नहीं बोल रहे हैं, पूर्व मंत्री जी नहीं बोल रहे, जिनको बोलना चाहिए वो नहीं बोल रहे, कैसे आपके साथ हो रहा है? अब इसकी जानकारी मुझे नहीं है, जानकारी हम लेंगे और अगर अन्याय हो रहा होगा तो निश्चित रूप से उस पर विचार पाए। बहुत अच्छी योजना है, आज 130 करोड़ का एड्रेस है और इतने बेरोजगार हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि सबको रोजगार देने के लिए कोई ना कोई नौकरी देने के लिए कदम तो उठाना पड़ेगा। और ये जो अग्निपथ योजना है, 4 साल
की नौकरी होगी, लेकिन उनका तनख्वाह कटेगा भी और जब रिटायरमेंट हो जाएंगे तो उनको एक मुफ्त इतना पैसा मिल जाएगा कि भविष्य के लिए कोई रोजगार धंधा वो लोग शुरू कर पाएंगे। तो देश भर में विरोध क्यों हो रहा है उसमें? अब विरोध तो देखिए हर अच्छे काम का विरोध होता है। आज लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी स्थापित हो जाएंगे, सबकी दुकानदारी खत्म हो रही है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर का जो आयोजन है ये शहर को छोड़ के आप लोगों ने ग्रामीण जगह पे किया, इसके पीछे की रणनीति? अब जहाँ ये आवासीय है ना, और करीब 200 कार्यकर्ता अपेक्षित हैं, तो जहाँ रहने की व्यवस्था हो जाएगा वही करेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, नया सीएम चेहरा देखने को मिलेगा बीजेपी से? अब हम लोगों को पहले तो 2023 में सरकार बनाना है, उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व तैयार करें, मतलब तय करेगा कौन मुख्यमंत्री होगा। ट्रेंड सीएन न्यूज के लिए दुर्गा से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।